नमस्कार, NIOS के DLED कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पाठ्यक्रम 503 ब्लॉक 1 इकाई 2 अर्थात भारत में भाषा शिक्षण की नीतियों पर विचार करने के लिए बैठे हैं। हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी। नमस्कार। आप मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट हाजीपुर वैशाली में प्राचार्य हैं और आपने विभिन्न राज्यों और केंद्र की जो संस्थाएं हैं उनके साथ शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर काम किया है और शिक्षा की दुनिया में एक और बात के लिए आपको याद किया जाता है, आप शिक्षा का साहित्य विषय के प्रवर्तक के रूप में भी ख्यात हैं। आपका स्वागत है ज्ञानदेव जी। धन्यवाद। आज आपसे हम लोग भारत में भाषा शिक्षण की नीतियों पर बात करने जा रहे हैं और हमारे जो प्रशिक्षणरत अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उन्हें इस चर्चा से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बिना नीतियों को जाने अपनी बात को अंजाम तक पहुंचाने में कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, उनसे रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, आप जैसा दक्ष व्यक्ति ही इस पर बात कर सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में आपको काम करने का मौका भी मिला है और जो भाषाई नीतियां हैं उसके बहुत सारे परिदृश्य भी आपके अनुभव से गुजरे हैं। मोटे तौर पर हम लोग कुछ जिज्ञासाओं के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जी जी। कि जैसे भाषा और शिक्षा का रिश्ता क्या है, या आज़ादी के पहले के जो दस्तावेज हैं उन पर प्रायः चर्चा नहीं होती। किताबों में भी आज़ादी के पहले के दस्तावेज जो हैं उन पर चर्चा नहीं होती, आज़ादी के बाद के जो दस्तावेज हैं उन्हीं पर केंद्रीकृत बात होती है, धुंधली सी चर्चा होती है कि क्या ऐसी नीतियां या दस्तावेज उपलब्ध हैं जो आज़ादी के पहले भी हैं और विभिन्न जो आयोग हैं उन्होंने किस तरह से भाषा शिक्षा की नीतियों का निर्माण किया, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले आप यह बताने की कृपा कीजिए कि भाषा और शिक्षा का रिश्ता क्या है। धन्यवाद आपका निरंजन जी। भाषा और शिक्षा के का जो रिश्ता है जिस पर अभी हम लोग अपनी बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं, वास्तव में भाषा के उस रूप की तरफ ही हमारा ध्यान बार बार जाता है जहां हम भाषा को एक विषय के रूप में देखते हैं। जी। आज की इस चर्चा में हम भाषा के इन दोनों रूपों पर गौर करेंगे या अपनी चर्चा में शामिल करेंगे, एक जिसे हम माध्यम भाषा कहते हैं और दूसरा तो सर्वमान्य है कि एक विषय के रूप में भाषाओं का या भाषा का अध्ययन अध्यापन। इन दो रूपों में यदि भाषा की पड़ताल हम करें और आज तक पहुँचें तो उसके लिए हमें कुछ पल इतिहास के पास जाना होगा। जी। इसलिए भी कि जब से यह निर्धारण होने के दस्तावेज बनने लगे कि शिक्षा में क्या और कैसे पढ़ाया जाए, किन विषयों को शामिल किया जाए, पढ़ाने लिखाने का तरीका क्या हो, यानी जो शिक्षक प्रशिक्षण की बात होने लगी और विशेष करके जब शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण की संस्थाएं खुलने लगी। जी। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में अलग से शिक्षण प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु को ये हक था कि वो अपने योग्य शिष्य को अपना आसन देकर और स्वयं वानप्रस्थी हो जाए, तो गुरु के स्थान को ग्रहण करने का हक शिष्यों के पास था। लेकिन आधुनिक भारतीय शिक्षा की शुरुआत जहाँ से होती है या जब हम अलग अलग कंपनियों के अधीन आने लगते हैं, जब डच हैं, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, इन सब ने अपने अपने ढंग से अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित किया और अलग अलग ढंग से शिक्षा और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों को भी प्रभावित किया। लेकिन इनका भी जो प्रारंभिक दौर है उसमें आप चाहे जोहान जेसुआ केटलर के व्याकरण को ले लीजिए, तो ये लोग हिंदी या उस समय की भाषा को सीखने के लिए और अपने लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने यहाँ की न सिर्फ भाषा सीखी बल्कि उसके व्याकरण को इस तरह से तय किया ताकि उनके जैसे लोग जो इस देश में आते हैं वो यहाँ की भाषा सीख सकें। कितनी अद्भुत बात है कि जो लोग आए और हमारी भाषा हमसे सीखी कि वो यहाँ के लोगों के साथ तालमेल बिठा सकें। जाते जाते उन्होंने हमारे
हमको ये सिखा दिया कि अब आपको यदि दुनिया में आगे बढ़ना है तो हमारी भाषा ही उसका माध्यम हो सकती है। तो इस कहानी को ऐसे भी हम देख और समझ सकते हैं, और इसको जानने समझने के लिए हमें 19वीं सदी के प्रारंभ में जाना होगा, जहां पहली बार एक दस्तावेज हमें दिख रहा है जो ये एक विवाद को जन्म दे रहा है, जो एक तरह से भाषाई विवाद है। वैसे तो आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 में होने के साथ भाषाई विवाद लगभग जन्म ले चुका था, लेकिन 1813 के चार्टर ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के हुक्मरानों से मिलता था कि वे किस तरह इस देश में यानी भारत में औपनिवेशिक शासन चलाएंगे, क्योंकि तब तक हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, हम सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन नहीं थे, जो 1857 की क्रांति के बाद जो स्वरूप बदला। तो 1813 का यह चार्टर जो 1,00,000 रुपये की बात करता है, कहता है कि हम 1,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि, मतलब आय से यदि अतिरिक्त होती है तो उस राशि को शिक्षा पर व्यय करेंगे जी। और ये शिक्षा पर व्यय करेंगे तो सवाल ये उठा कि कैसी शिक्षा पर आप इस राशि को व्यय करना चाहते हैं, किस तरह की राशि, किस तरह की शिक्षा पर आप इस राशि को व्यय करेंगे। तब तक का जो भारत है, मतलब 1813 के चार्टर का जो भारत है, वो गुरुकुलों, आश्रमों, बौद्ध विहारों, मकतबों, मदरसों से होते हुए टोल पाठशालाओं, विद्यालयों का भारत है। अभी तक अभिजात मॉडर्न पब्लिक स्कूलों का इतिहास उसके साथ जुड़ा नहीं है जी। तो यह 1813 का वह समय है जब 1,00,000 रुपये का आना, और प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से उसको शिक्षा शास्त्र में हम लोग खूब पढ़ते पढ़ाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहाँ से आया, किस तरह इसकी शुरुआत हुई। मोटे तौर पर अभी हम उसको सिर्फ याद करें, क्योंकि हमारे लिए तो यह एक संदर्भ का बिंदु है कि उस विवाद, उस चार्टर ने इस विवाद को जन्म दिया कि अब हिंदुस्तान में, अब भारत में किस तरह की पढ़ाई लिखाई होगी और किस भाषा में होगी। निश्चित तौर पर इसका रिश्ता दोनों से ही था, एक भाषा के रूप में भी एक विषय का पढ़ाया जाना और माध्यम भाषा के रूप में भी विषय का पढ़ाया जाना, क्योंकि तब तक संस्कृत, अरबी, फारसी हमारे हिस्से शामिल विषयों में शामिल थे। अब उनमें से हम किन विषयों को लेकर आगे जाना चाहते हैं, तो यह विवाद लंबा चला। और जब 1835 में, 34-35 में मैकाले का आगमन इस देश में हुआ जी। मैकाले यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके नाम के साथ हम अपनी तमाम शिक्षाई गड़बड़ियों को जोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जी जिस दिन मैं काले की चर्चा ना होती, लगभग रोज हमारी चर्चा निश्चित ही। यह भी मैकाले का प्रताप है, मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षा में वो इतने गहरे बैठे हुए हैं कि हर रोज कहीं ना कहीं उनकी चर्चा जरूर होती है। और शिक्षा शास्त्र में तो यदि आप देश के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षा शास्त्र के बीएड, डीएलएड और डीएड के पर्चों को उठाकर देखें तो हर तीसरे चौथे पर्चे में आपको मैकाले नज़र आएंगे, और ऐसा लगेगा कि मैकाले ही सारी फसादात की जड़ में रहने वाला व्यक्ति है। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हमारे बड़े भी और यह देश भी उस तरफ चलने को तैयार हो गया था, या उस समय का जो अभिजात वर्ग था वह धीरे धीरे यह स्वीकार कर रहा था कि उसे यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिलनी चाहिए। ज्ञान वही है जो यूरोपीय है, जो उधर से आया है, क्योंकि बहुत आराम से बिना पढ़े लिखे मैकाले ने कह दिया कि भाई भारत तो ऐसा है जहाँ का संपूर्ण ज्ञान यूरोप के किसी भी पुस्तकालय के एक अलमारी में रखा जा सकता है। ये मैकाले की समझ थी, क्योंकि मैकाले ने कुछ जानता ही नहीं था भारत के बारे में। तो जो एक व्यक्ति कुछ जानता ही नहीं है वो इस तरह का वक्तव्य देता है, कमाल तो यह है कि ऐसी नासमझी वाले वक्तव्य को भी हम लोग पूरी ईमानदारी से आज तक अपनी पाठ्यपुस्तकों में ढो रहे हैं जी। बल्कि अब तो माफ़ कर देनी चाहिए मैकाले को ये कहते हुए कि मैकाले भारत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब मैकाले अपने विषय से आगाध प्रेम करते थे, और हर व्यक्ति जो अपने विषय को जानता है वो अपने विषय के साथ न्याय करना चाहता है, और मैकाले अंग्रेजी के विद्वान थे और अंग्रेजी के प्रति उनके ममत्व को आप प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में नहीं ला सकते।
जी। इसलिए यदि अपने विषय के बढ़ोतरी के लिए इस देश में उन्होंने पहल की तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मैकाले को दंडित किया जाना जी चाहिए। जी, और मैकाले को गए, मैकाले मिनट को आए हुए अब 200 साल होने को आए, 1835 से 2035 की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। इन 200 वर्षों में यदि मैकाले की सोच और समझ इतनी जबरदस्त थी और इतनी दूर की दृष्टि उनकी थी कि वे जिस चीज़ को ला रहे हैं उसे भारत से 250-300 वर्षों तक नहीं हटाया जा सकता, तो मुझे लगता है कि मैकाले दूर दृष्टा भी थे और उनके पास बड़ी पक्की दृष्टि थी। लेकिन हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं उसमें मैकाले ने एक तरह से उस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को एक तरह से ठहराव दे दिया और ये तय हो गया कि भारत में जो ज्ञान विज्ञान का मामला है वह यूरोपीय रहे और जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है जी, उसे हम रखें। तो इन विभिन्न कालखंडों में शिक्षा की माध्यम भाषा एक नहीं रही। जिन कालखंडों की हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, 1813 और 33 के चार्टरों के प्रावधान और राजा राममोहन राय जी जिन्होंने लॉर्ड एमहर्स्ट से यह मांग की थी कि इस देश में संस्कृत शिक्षा की आवश्यकता फिलहाल उतनी नहीं है जितनी अंग्रेजी शिक्षा की है, और उनका एक पत्र है जो अब उपलब्ध भी है जिसे कई जगहों पर देखा और पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ के हमारे जो बड़े थे उनकी भी एक तरह से मांग थी और मुझे लगता है कि उन्होंने भी भारत के कल को अपने अपनी तरह से देखने का प्रयास किया था। जी जी, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं की भी इस विषय पर रुचि हो सकती है, होनी चाहिए, कि ये जो आज़ादी के पूर्व के दस्तावेज हैं उन्होंने किस तरह से देखा है। देखिए, आज़ादी के पूर्व के जो एक तो पहला विवाद, जैसा मैंने कहा कि 1813 फिर 1833 में आके 1 लाख से 10 लाख और फिर 1835 का मैकाले का मिनट, जिसके सहारे हम लोग कहते हैं कि भारत में निस्यंदन का या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसे कहते हैं, शिक्षा कुछ लोगों को ऊपर दे दो वो छन छन के नीचे तक आ जाएगी के सिद्धांत पर काम करने लगी। लेकिन पहली बार एक संरचित या बहुत ही व्यवस्थित जो दस्तावेज भारतीय शिक्षा को मिला वो 1854 का वुड्स डिस्पैच था। जी जी, जिसने भारत में कुछ चीज़ें तय कर दी। जो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं जो आज हमारे हैं वो नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, तक्षशिला की तर्ज पर नहीं बने थे। 1854 के वुड्स डिस्पैच ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना का एक तरह से मार्ग प्रशस्त किया, खोला, और विद्यालयीय शिक्षा का स्तरीकरण किया। प्राथमिक शिक्षा, मध्य विद्यालयों की शिक्षा, माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय, ये जो स्तरीकरण है ये 1854 ने किया। और वहाँ से ग्रांट इन एड की पद्धति शुरू हुई, मतलब सहायता अनुदान की, आप भारतीय विद्यालय स्थापित करें और कुछ राशि हम आपको देंगे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी वो कुछ राशि आपको देती ले और बदले में ये तय करती कि आप क्या पढ़ाएंगे, वो तय करती कि कैसा शिक्षक तैयार होगा, वो तय करती कि परीक्षा कैसे ली जाएगी, वो तय कर उनके द्वारा तय किया जाता कि परीक्षा में कौन पास कौन फेल करेगा। तो सारी व्यवस्था उनके हाथ में, आप सिर्फ संस्थापक होते थे, आपने स्थापित कर दिया एक संस्थान को और संचालन भी आप कर रहे हैं और अधिक राशि भी आपकी खर्च हो रही है। लेकिन थोड़ी सी राशि देकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब भारतीय विद्यालयों को, भारतीय स्कूलों को अपना स्कूल बना लिया। जी, तो यह जो 1854 का वुड्स डिस्पैच था वहाँ से, लेकिन एक बात बहुत साफ साफ अब सामने आने लगी कि प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषाओं में दिया जाना चाहिए। क्या बात है, ये पहल वहाँ से शुरू होती है जो 1882 के हंटर आयोग में बहुत साफ ढंग से उभरती है कि वह भी ये मानते हैं, 1882 का यह आयोग जो पहला भारतीय शिक्षा आयोग है जी, 1882 का, वो ये मानता है कि हमें बच्चों की शिक्षा उनकी भाषा में दी जानी चाहिए, और पहली बार वो आदिवासियों के लिए उनकी भाषा में शिक्षा देने की बात भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ से एक जो रिश्ता दिखाई देता है शिक्षा और भाषा का और नीतियों का जो प्रभाव भाषाओं पर या किन भाषाओं में पढ़ाई हो, किन भाषाओं को पढ़ाया जाए, दिखाई देता है, वो बाद के दिनों में
गांधी जी ने तो बहुत ही साफ ढंग से बुनियादी शिक्षा में कहा आज़ादी के पूर्व ही कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, और उसके पहले भी आप जिस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं यदि उसके वर्ष 1921 के पंचांग को देखें जिसे उस समय विद्यापीठ पंचांग कहा जाता था, उसमें गांधी जी का वह भाषण छपा हुआ है उद्घाटन के समय का, और उसी में वह पाठ्यक्रम भी है छपा हुआ, जिससे ये पता चलता है कि जो राष्ट्रीय विद्यालय उससे जुड़े हुए थे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ से, उनके यहाँ शिक्षा की माध्यम भाषा हिंदी स्वीकार की गई थी या स्थानीय भाषाएं स्वीकार की गई थी तो, और हिंदी एक विषय के रूप में वहाँ दाखिल और शामिल थी। बिल्कुल खूबसूरत बात की तरफ आप हमारा ध्यान ले गए। मुझे यह भी याद पड़ रहा है कि उसके थोड़े पहले बनारस में हिंदी में विभिन्न विषयों की किताबों को लिखने का चलन भी शुरू हुआ। बिल्कुल था। बिल्कुल जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे ने इतिहास तिमिरनाशक जैसी किताब लिखी थी, भूगोल हस्तामलक जैसी किताब लिखी थी, और उसकी भाषा इतनी शानदार मुहावरेदार चुटीली थी जो बहुत आसानी से अपने लक्ष्य समूह तक यानी शिक्षार्थियों तक पहुँच जाती थी। रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी प्राइमरीज लिखे। जी जी, तो एक पूरा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने सरस्वती प्रेस से बच्चों की किताबें छापी, प्राथमिक विद्यालय की हिंदी की किताबें लिखी और प्रकाशित की। वह पूरा दौर था जिसमें हिंदी में विभिन्न विषयों की यानी माध्यम भाषा के रूप में हिंदी का एक रूप उभरता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही रूपों में निरंजन जी, माध्यम भाषा के रूप में भी और शिक्षाई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही है। इस तरह की हिंदी अब पढ़ाई जाएगी जी, जी, वह भी अपना रूप ग्रहण कर रही है। जी 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 जी, एक बिल्कुल नई तरह की दुनिया हमारे सामने उभर कर आ रही थी। शिक्षाई हिंदी का एक स्वरूप बन रहा था। बिल्कुल, और वो बिल्कुल उसके बहुत सारे अंश तो आज भी याद किए जाते हैं अपनी जान के चलते, उसमें प्राण तत्व है उपस्थित। विभिन्न आयोगों ने जो भाषा शिक्षा की नीतियों पर विचार किया है उस पर आपने बहुत खूबसूरत बात कही, और आज़ादी के पहले का जो दौर था उसके बारे में भी आपने बात की। अब आज़ादी के बाद भाषा नीतियों में क्या क्या हुए इससे भी, आज़ादी के पहले और बाद के आयोगों में भारतीय शिक्षा आयोग 1882, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 जो आज़ादी के बाद आया और डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो था, और माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में कोई भी ऐसा आयोग नहीं था जो शिक्षा के हर एक पहलू से जुड़ा हुआ हो, संपूर्णता में जिसे कहते हैं शिक्षा को जानना। लेकिन आज़ादी के बाद 1948 और 1952-53 के दोनों ही आयोगों ने इस बात की पुरजोर वकालत की कि एक बच्चे को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का हक है, और 1952-53 ने भाषा कौन कौन सी भाषा पढ़ाई जाए इस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। राधाकृष्णन आयोग ने भी भाषाओं के भारत की बहुभाषिकता को ध्यान में रखते हुए किन भाषाओं की पढ़ाई हो इस पर विस्तार से प्रकाश डाला था, जिस पर हम आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन 1964-66 का जो आयोग था जिसने संपूर्णता में भारतीय शिक्षा की जाँच की, उसने एक तरह से एक बहुत साफ नजरिया शिक्षा नीति को दी, भाषा नीति को दी जी, कि भाषा किस तरह की, कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं और किन स्तरों पर पढ़ाई जाएं। तो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की जांच के लिए 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। ये पहला आयोग है आज़ाद भारत का जो संपूर्णता में भारतीय शिक्षा की जाँच के लिए बनाया गया था। 17 सदस्यीय इस आयोग ने 27 जून 1966 को 700 पृष्ठों का प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री एमसी छागला के समक्ष प्रस्तुत किया। इस आयोग ने भारतीय शिक्षा की पड़ताल की और शिक्षा की माध्यम भाषा के लिए प्रस्ताव रखा कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनने के लिए मातृभाषा का सर्वप्रथम अधिकार है। जी जी, अंतः प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनना चाहिए। इस आयोग ने इस उल्लेखनीय अवधारणा को भी सामने रखा जिसे हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। जी, त्रिभाषा सूत्र अब भाषाओं के संदर्भ में जी, यहाँ कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं,
प्रारंभिक स्तर पर पहली से पांचवी तक कितनी भाषाएं होंगी, 6, 7, 8 के लिए कहा गया, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए ऊपर के लिए, कि वहाँ बच्चे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ें। विविधता है इस देश की, और एक बड़ी चुनौती तब लोगों के सामने थी और वो थी अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी का जो रिश्ता था जी, कि कौन जी, बड़ा कौन छोटा और कौन किसका हक ले रहा है। जी जी, तो वैसे वैसे मैं जी, जी जी एक बहुत ही संश्लिष्ट स्थितियां उस वक्त देश में उभरी थी जी। कई बार ऐसा लग रहा था कि जो गैर हिंदी भाषा भाषी लोग हैं कहीं उनके अधिकार और हक का हरण न कर ले हिंदी। और उस दौर में जो आंदोलन हुए उसको भी दस्तावेजीकरण किया गया, कई रचनाएं उस पर हमें दिखाई पड़ती हैं। काशीनाथ सिंह का उपन्यास अपना मोर्चा इस रूप में हमें नजर आता है जी 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 जी, जी। लेकिन जो भाषा नीति हमारे यहाँ बनी, मुझे लगता है कि समाज में चलने वाली गतिविधियों का उस पर पूरा असर पड़ा आज़ादी के बाद विशेष करके जी। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े ही आराम से उत्तर भारत के लोगों ने हिंदी को मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया जी। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को मातृभाषा के रूप में जैसे ही उत्तर भारत ने स्वीकार किया या उसको स्वीकृति दी, तो बाकी प्रांत के लोगों को ये लगा कि आपकी, मतलब उत्तर भारतीयों की मातृभाषा को स्थान मिल गया। जबकि हिंदी को यदि हम इस रूप में देखें, मैं स्वयं भोजपुरी भाषी हूँ और मेरे प्रांत में 5 भाषाएं बोली जाती हैं जी। आपकी जी, जो कर्मभूमि है वहाँ भी कई भाषाओं का संगम है जी। जिसे हम हिंदी प्रांत कहते हैं, हिंदी पट्टी कहते हैं, वहाँ शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहाँ वहाँ की स्थानीय भाषा ना हो जी जी। लेकिन ये स्थानीय भाषाएं वास्तव में जो ऊर्जा देने वाली भाषाएं थी हिंदी को, जिसने एक तरह से समृद्ध किया हिंदी को, जड़ का काम किया। उन भाषाओं के लोगों ने जैसे ही कहा कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, बाकी लोगों को लगने लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो ठीक नहीं हो रहा है कि एक खास प्रदेश के लोगों की भाषा हम सब पर लादी या थोपी जा रही है। वास्तव में हिंदी को यदि हम भारत की संपर्क भाषा के रूप में ही देखते तो मुझे लगता है कि परिदृश्य कुछ और होता जी। त्रिभाषा सूत्र की ओर हम लोग लौटें जी। त्रिभाषा सूत्र में की ओर लौटने में भी इसी नियत की गुंजाइश तब भी थी जी, जी। जब हम ये कहते हैं कि उत्तर भारत में पढ़ने पढ़ाने के लिए हमें भी एक दक्षिण भारतीय भाषा पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी तथ्य की जरूरी आप इशारा बात थी कि हम उधर की भाषा भी पढ़ें और जानें, क्योंकि हमें भी उधर जाना है। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का जो टकराव था, अंग्रेजी ने बड़े आराम से त्रिभाषा सूत्र में भी जगह बना ली जी। और आपको ख्याल होगा कि यह भारत की उस राजभाषा अधिनियम का एक तरह से प्रभाव था, जहां इस आयोग की रिपोर्ट देने के पहले ही यह तय हो चुका था सहराजभाषा के रूप में, सहराजभाषा के रूप में जारी रहेगा, क्योंकि 15 साल का जो कार्य का कालखंड था वो 65 में खत्म हो रहा था, 1965 में। लेकिन 61 से लेके 61-63 के जो विवाद हैं कई प्रांतों के, उन्होंने एक तरह से इस नीति पर रोक लगाई जी। और जी। केंद्र सरकार को ये तय करना पड़ा कि यदि विरोध होता रहा तो हम हिंदी को इस रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और अंग्रेजी राज सहभाषा के रूप में काम करती रहेगी, तो काम कर रही है अनंत काल तक करेगी। त्रिभाषा सूत्र में कोठारी जी ने एक बात तो हमें ये बताई कि हम 3 भाषाओं को जाने, जिसके आधार पर 1969 की शिक्षा नीति बनी। उसमें यह था कि स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो जी जी। तो मातृभाषाओं की बात तो पहले से ही चली आ रही है, और जो स्थानीय भाषाएं हैं उसकी वकालत इन्होंने की कि जो मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो वो पढ़ाई जाए। लेकिन जो हिंदी प्रांत थे वहाँ, इस नज़रिए से भी इसको समझने की ज़रूरत है कि जो हिंदी प्रांत थे वहाँ मातृभाषाओं के स्थान पर जो क्षेत्रीय भाषा थी, जो उस प्रांत की एक तरह से राजभाषा थी, उसे मान लिया गया जी। अन्य प्रांतों में जो मातृभाषाएं थी उसके मानकीकृत रूप को मातृभाषा के रूप में रहने दिया गया जी जी। तो हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी स्वतः
जो वहाँ की भाषा थी वो मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाने लगी। द्वितीय भाषा, हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी जी। अब यहाँ हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी पहली भाषा हो गई और उसके बाद अंग्रेजी दूसरी हो गई जी। दक्षिण भारतीय भाषाओं के संदर्भ में ये कहा जाता रहा है कि इतने अधिक शिक्षक कहाँ से आएंगे, इन भाषाओं को कैसे पढ़ाया जाएगा, मतलब वही रोना जो शिक्षा के साथ हर बार रोया जाता है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, जो गैर हिंदी, अब यहाँ से बहुत साफ साफ बंटवारा हो गया है कि ये हिंदी राज्य हैं, ये गैर हिंदी राज्य हैं। जिन जैसे भाषा परिवार की हम चर्चा करते हैं, एक आधार वह भी था कि अब कुछ राज्य हमारे हिंदी राज्य हैं और कुछ गैर हिंदी राज्य हैं। जी जी। तो इस बंटवारे के कारण यदि आप ठीक से देखें और संचालन को देखें तो पता लगेगा कि दोनों एक साथ, अंग्रेजी दोनों स्थानों पर दो नंबर पर आ गई। जी जी। अब तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ी जा रही है। अब यहाँ संस्कृत के लिए आमतौर पर तीसरी भाषा या दूसरी भाषा में से आप कोई मानक ले सकते थे। हिंदी भाषी प्रांतों में यह हुआ कि पहली भाषा हिंदी हो गई, दूसरी भाषा संस्कृत हो गई जी। और तीसरी भाषा अंग्रेजी हो गई, यानी जो छठी कक्षा से शुरू होनी थी जिसकी पढ़ाई। अब तो सभी राज्यों में, हिंदी राज्यों में पहली कक्षा से हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू। हमारी पीढ़ी छठी कक्षा से। हाँ, छठी कक्षा वाली है, लेकिन संस्कृत चौथी कक्षा से थी जी। संस्कृत चौथी कक्षा से थी, दूसरी छठी कक्षा, अंग्रेजी छठी में। तो हम लोगों के समय में यह जो त्रिभाषा सूत्र था और इसकी जो व्याख्या थी वो पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा संस्कृत और तीसरी भाषा अंग्रेजी। अंग्रेजी। आज का जो संदर्भ है, आज हम जिस तरह की भाषा नीति की कल्पना के साथ विद्यालयीय शिक्षा का संचालन कर रहे हैं, उसमें स्थानीय भाषा जो हिंदी प्रांतों में हिंदी है और अंग्रेजी एक तरह से अब एक साथ चल रही है। जी जी। पहली कक्षा से लगभग सभी हिंदी प्रांतों ने स्वीकार कर लिया कि अंग्रेजी को पहली कक्षा से ही पढ़ाया जाना चाहिए। सभी सरकारी स्कूलों में इसे स्वीकार कर लिया गया और यह माना गया कि इसे पढ़ाया जाना चाहिए। जबकि गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा, जो 1969 की शिक्षा नीति ने कहा था, एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो, मतलब एक आधुनिक भारतीय भाषा दूसरी भाषा के रूप में भी थी। यह सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर अनुदेश का माध्यम यानी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए तथा राज्य सरकारों को इस सूत्र को अपनाने के साथ साथ इसे गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं में से मुख्य रूप से एक दक्षिणी भाषा हो हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी हो। यह एक आदान प्रदान का मामला उस शिक्षा नीति ने हमें दिया था। विश्वविद्यालय तथा कॉलेज स्तर पर हिंदी और या अंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए ताकि इन भाषाओं में विद्यार्थी अपने स्तर के हिसाब से कुशलता हासिल कर सकें। त्रिभाषा सूत्र भाषा सीखने के लिए कोई लक्ष्य या सीमा निर्धारित नहीं करता, बल्कि यह उस यात्रा का प्रस्थान बिंदु मात्र है जिसमें लगातार फैलते हुए ज्ञान की खोज और देश की भावनात्मक एकता की तलाश है। इस तरह अपनी मूल भावना में त्रिभाषा सूत्र हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं, खासकर दक्षिण भारतीय भाषाओं का, और हिंदी राज्यों के लिए क्षेत्रीय भाषा हिंदी व अंग्रेजी का प्रावधान प्रस्तावित करता है। लेकिन इसके प्रति प्रतिबद्धता से ज़्यादा इसका अतिक्रमण करते हुए ही पाया गया है, जिसकी चर्चा अभी तो हम लोगों ने विस्तार से अभी की है। राज्यों की जो बहुत सारे राज्य त्रिभाषा सूत्र को अपनाए हुए हैं, जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्य। इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसाएं भारत के बहुभाषिक परिदृश्य में भाषाई जनतंत्र की स्वीकृति की वकालत करती है। मतलब यहाँ एक गुंजाइश है कि हम तीन भाषाओं को पढ़ जान सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषाओं के विकास के संबंध में 1969 की शिक्षा नीति को और अधिक तेजी और सार्थकता के साथ क्रियान्वित करने
उसकी बात स्वीकार की गई है। अब हर आयोग जो आज़ादी के बाद जिसकी आपने चर्चा की कि आज़ादी के बाद के आयोगों में क्या स्वरूप था उसे हम देखने की कोशिश करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो समीक्षा समिति थी आचार्य राममूर्ति आयोग जिसे कहते हैं 1990 की, उन्होंने कहा था कि ग्रामीण छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाते। इसका एक गंभीर कारण यह भी है कि आज भी अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व कायम है, इसलिए समय की मांग है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए, जहाँ प्राथमिक शिक्षा को कहते हैं कि वह मातृभाषा में दी जाए और वहीं उच्च शिक्षा को अंग्रेजी के हवाले रखिएगा, तो यह परेशानी तो हिंदी माध्यम या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ने वालों को होगी। पुराने दस्तावेजों में भी प्राथमिक कक्षाओं की तो बात है पर विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम क्या होगा? जी, आपने बहुत सुंदर इशारा किया था कि विद्यापीठ जो हैं, चार विद्यापीठ जो थे उसमें किस तरह से भाषा नीति को लेकर एक संवेदनशीलता दिखाई पड़ी। चूंकि कोठारी आयोग ने भी पुस्तकालीय भाषा के रूप में एक तरह से अंग्रेजी की अनिवार्यता विश्वविद्यालयों के लिए सुनिश्चित कर दी। जी जी, तो यह जो अभी 2005 में जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित हुई है, उनका मत यह है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ज़्यादातर बच्चे स्कूली शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। कई बार जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनमें पहले से ही दो या तीन भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता होती है। जी जी, तो अब हम 2005 को आधार मान के ही भाषा के संदर्भ को की ओर बढ़ रहे हैं और भारत के बहुभाषिक परिदृश्य को और आने वाले दिनों में जो हमारी चुनौतियों का सामना करने वाली भाषा हो सकती है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भाषा नीति पर संबंधित दस्तावेज भारत सरकार की उन चिंताओं को भी जाहिर करते हैं जिनकी अनेक अनुशंसाओं पर विभिन्न नीतियों का कार्यान्वयन हुआ। बहुभाषिकता की स्वीकृति जैसे मामलों को इनके आलोक में बखूबी समझा जा सकता है। इस तरह से यह जो विभिन्न आयोग और समितियाँ हैं जिन्होंने विशेष करके त्रिभाषा सूत्र का ही समर्थन किया है जी, जी। और अब आज का जो वर्तमान परिदृश्य है वो आपके सामने है, उसे हमें जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि हम जब भी भाषा को नीतियों के संदर्भ में देखें तो शिक्षा के माध्यम भाषा और एक विषय के रूप में भाषा को अलग अलग करके देखने और समझने की आवश्यकता और ज़रूरत है। बहुत ही अर्थपूर्ण बात आपने बताई और मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस बातचीत से आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ज्ञान की दुनिया में भाषा को लेकर जो बहुत सारी जिज्ञासाएं थीं कि कैसे भाषा नीतियों का निर्माण हुआ, जन भावनाओं का क्या असर पड़ा, जो सत्ता पक्ष था उसने भाषा के साथ कौन सा रुख अपनाया, जो शिक्षा को लेकर चिंताएँ करती हैं सरकारें उनकी नज़र में शिक्षा की कैसी नीतियाँ बनी, इन तमाम मुद्दों पर आपने विस्तार से बात की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के दस्तावेज़ों के आधार पर। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी चर्चा में हिंदी माध्यम में लिखी अन्य विषयों की किताबों के बारे में, यानी माध्यम भाषा के रूप में और विषय के रूप में कोई भाषा होती है उसके बारे में भी बात की, त्रिभाषा सूत्र के बारे में आपने विस्तार से बताया, और अभी का जो दौर है जिसमें बहुभाषिकता की स्वीकृति बहुत ज़रूरी है उस तरफ भी हमारा ध्यान ले गए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप पधारे, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।